Good morning, children. In this class, we will study about a new chapter, which is motion in a straight line. This is chapter number 3 in class 11th physics. तो आज इस chapter में जो बच्चों हम topic पढ़ने वाले हैं, वो topic कौन सा है? वो topic है elementary concept. आप लोग यहाँ सामने देख रहे होंगे, elementary concept, differentiation and integration. ये आज का हमारा टॉपिक होगा. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो टॉपिक हुआ, मतलब मैथ्स के ये पार्ट हैं. तो आप कह सकते हो कि आज हम फिज़िक्स के बजाय मैथ्स पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में. देखिए, डिफरेंशिएशन क्या होगा, किस तरीके से हम इसे अप्लाई करेंगे, हमें सिर्फ वही समझना है फिज़िक्स में. ज़्यादा डिटेल में आप मैथ्स के अंदर ही पढ़ सकते हैं. यहाँ पर फिलहाल आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एंड द फंक्शन इज़ एफ एक्स, मतलब कोई फंक्शन है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है. तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कह सकते हो, एफ एक्स कह सकते हो. अगर उसका हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन को किस तरीके से लिखा जाएगा, डिफरेंशिएशन को इस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब d बाई डी एक्स. ये जो इतना पार्ट है d बाई डी एक्स, ये किस चीज़ को बता रहा है, ये डिफरेंशिएशन को ही बता रहा है. डिफरेंशिएशन करना किसका था, डिफरेंशिएशन करना था हम लोगों को एफ एक्स का. तो इस तरीके से लिखा जाता है जब हम किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन करते हैं. दूसरी बात, यहाँ पर नीचे ये जो x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है और ये d का मतलब क्या है. d का मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं डिफरेंशियल, ठीक है. और इसे बोला कैसे जाएगा, सबसे पहले इसे समझिए. आप इसे बोलेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x. ये जो नीचे x आ रहा है, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, ये x क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं. मतलब अगर जैसे यहाँ पर वेरिएबल क्या था, x था, ठीक है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा डी बाई डी टी, डी बाई डी एक्स. अगर मान लीजिए हम टाइम, हम जो है टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो तब हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी, तब जो है डी बाई डी टी लिखा जाएगा. अदरवाइज हमने यहाँ पर क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स लिखा है, ठीक है. चलिए, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम. ये तो लिखने का तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को. अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते टाइम. तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन. मतलब अगर आपके पास एक्स वेरिएबल दे रखा है और उसकी कुछ पावर है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो पावर कितनी है, 2 है. तो इसी तरीके से कोई भी पावर हो सकती है, n की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है. अगर ये है तब डिफरेंशिएशन का फार्मूला आप क्या अप्लाई करोगे, ये फार्मूला अप्लाई करा जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1. अब इस फार्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट करा जाए, उसी के लिए हमने ये एग्जाम्पल को समझना है. देखिए, हमने क्या लिखा कि एक फंक्शन है एफ एक्स, मतलब इसमें वेरिएबल एक्स है, सामने दिख भी रहा है. कितना है ये फंक्शन, एक्स स्क्वायर है, मतलब हमें एक्स स्क्वायर का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है. तो हमने डी बाय डी एक्स किसका लिखा, एफ एक्स का लिख दिया. देखिए, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और कितना आ गया, ये आ गया डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना. एफ एक्स की जगह पर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, जो फंक्शन था. अब अगर आपके पास फार्मूला था एक्स टू द पावर एन का, तो आप यहाँ पर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है. अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एन की वैल्यू कितनी है, 2 है. तो आप ये एन की वैल्यू 2 कहाँ पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. कितना मिलेगा आपको, देखिए एन की जगह पर 2 आ गया, उसके बाद x आ गया, और फिर पावर क्या हो गई, n माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 1. तो हमने क्या किया, हमने इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया फार्मूला कि n x टू द पावर n माइनस 1, पावर कितनी थी यहाँ पर, 2, तो इसलिए हमने लिखा 2 x टू द पावर 2 माइनस 1.
जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 2x^1, जिसे आप लिख सकते हो x^1 को आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ x लिख सकते हो। इसका मतलब आंसर आपके पास आ जाएगा 2x। ये एक क्वेश्चन था जो आपने समझा। अब इसी चीज़ को हम दूसरे क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो टर्म्स दे रखी हैं फंक्शन के अंदर। यहाँ पर फंक्शन को मैंने fx नहीं लिखा, यहाँ पर फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, y, कुछ भी मान सकते हैं आप इसे। yx ब्रैकेट में ऐसे जैसे fx लिखा था, ऐसे ही आप yx भी करके लिख सकते थे। नहीं लिखना चाहते तब भी आप यही माना जाएगा कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है। तो जब इस बार हम ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो किस तरीके से होगा, देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला तो वही यूज़ होगा। dy/dx आपने लिखा यहाँ पर, इधर क्या है भाई, y, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x x प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपने पुट कर दिया। अब बीच में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एडिशन दिख रहा है, तो आपने क्या किया, आपने अलग अलग कर लिया, मतलब d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर। तो आप जो है इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x^n का डिफरेंशिएशन होता है nx^n-1, यही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई करा है। देखिए कैसे, जब आप इसको कंपेयर करेंगे x^n से, तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि पावर एन की, यहाँ पर पावर एक्स की कितनी है, 1 है ना। अगर कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो गई 1, किसके लिए, इस वाले पार्ट के लिए। और इस वाले पार्ट के लिए जो एन की वैल्यू हो गई वो हो गई 2, इस पार्ट के लिए हो गई 1, इस पार्ट के लिए हो गई 2। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे किस तरीके से आएगा, ये आएगा, देखिए फॉर्मूला अप्लाई किया हमने वाला nx^n-1, कैसे अप्लाई करा, 1x^1-1 प्लस, ये बीच वाला प्लस आ गया, ठीक है। उसके बाद 2x^2-1, रीज़न भाई इस वाले पार्ट के लिए पावर 2 थी, इस वाले पार्ट के लिए पावर क्या थी, 1 थी, तो इसलिए हमने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ये एक्सपेंशन कर दिया यहाँ पर। अब इसके आगे देखिए, समझिए किस तरीके से ये होगा भाई, 1-1, 1-1 कितना आ जाएगा, 0, और 2-1 आ जाएगा 1। तो सॉल्व करके देखिए, x^पावर अगर 0 है, हम जानते हैं कि अगर किसी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है तो उसका आंसर क्या आया करता है, 1 आया करता है। तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2x। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन था, x+x², इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आया 1+2x। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, है ना। अब की बार क्या है, अब की बार रेसिप्रोकल है, फंक्शन जो दे रखा है आपको दे रखा है 1/x², आप इसका डिफरेंशिएशन करने चल दिए, तो इस तरीके से आपने लिख लिया फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे भाई, 1/x², इसको आप क्या लिख सकते हो, x^-2। क्यों करना पड़ेगा ऐसे, हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं, x^n, इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे पहले, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, x^-2। अब अगर आप यहाँ कंपैरिजन करते हो तो n की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, -2 मिलेगी। फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे भाई, nx^n-1। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे देखो कितना आएगा, -2x^-2 और -1, ये अब की बार ऐड हो जाएंगे और कितना हो जाएगा, -3, और -3 को जब आप नीचे लेकर के जाओगे ये बन जाएगा +3। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा -2/x³, इतना आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, ये भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन है। y=1/x³ 1/x^5, भाई डिफरेंशिएशन करा तो पावर x^-3 लिख दिया, यहाँ पर x^-5 आ गया,
फॉर्मूला अप्लाई करा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। अब जब पावर पॉजिटिव करके लिखोगे तो इतना आंसर आपके पास ये आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है आपकी बार, ये थोड़ा सा चेंज्ड है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे हो आप लोग, फंक्शन क्या है यहाँ पर, साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको याद रखना है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ करता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ करता है माइनस साइन एक्स। साइन का होगा कॉस एक्स, कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम करने जा रहे थे, हमें पता है फॉर्मूला कितना होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा कॉस एक्स, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, बस यहीं पर ये क्वेश्चन ख़त्म। और इसी तरीके से देखिए एक क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है मैंने, अगर वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ये भी वही चीज़ है जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इनका आंसर जो है हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर, जैसे आप पता कर सकें डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आना है, कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ। देखिए यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो एन कितना है, टू दिख रहा है आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ करता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मतलब पावर मल्टीप्लाई में आएगी, थ्री पहले से लिखा हुआ है, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, एक्स लिख दिया, अब आपको एन माइनस वन करना है, तो यहाँ कितना है टू, टू में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, वन बचेगा, और वन को हम लिखा नहीं करते इसलिए सिर्फ लिख देंगे टू एक्स, थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स, ये आपके पास आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पर देखिए पावर आएगी मल्टीप्लाई में एक्स टू द पावर, और पावर कितनी हो जाती है, एक कम हो जाया करती है ना एन माइनस वन, तो एन माइनस वन मतलब चार में से एक गया तीन, ऐसे यहाँ लिख देंगे। देखिए पावर मल्टीप्लाई में आई एक्स टू द पावर, एक पावर कम हो जाएगी मतलब फोर, यहाँ पर वन अपॉन टू ऐसे ही लिख दीजिए, पावर मल्टीप्लाई में आई एक्स की पावर एक कम हो गई मतलब टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर। ये देखिए एक ही लाइन में आप लोगों के आंसर इस तरीके से आ गए, ये डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन थे। अब ऐसे ही चार क्वेश्चन और मैंने बना रखे हैं, इनकी पावर निगेटिव है, पिछले वाले की पॉजिटिव थी। एक्सपेंशन लिख देता हूँ मैं, कितना होगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ कंपेयर करो देखो एन कितना है माइनस टू, है ना। तो वही चीज़, पहले पावर मल्टीप्लाई में आई, उसके बाद पावर क्या हो गई एक कम हो गई। अब देखो जब यहाँ पर निगेटिव वाले पावर्स में एक पावर और कम होती है तो असल में ये क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जैसे माइनस टू और माइनस वन क्या हो जाएगा, जुड़ करके कितना हो जाएगा माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री हो जाएगा, है ना। तो ऐसे समझ सकते हो आपकी निगेटिव पावर्स वाले क्वेश्चन के लिए तो पावर बढ़ती है, पॉजिटिव पावर वाले क्वेश्चन के लिए पावर घटती है। अगर आप देखो यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करके देखो कितना आएगा, माइनस फोर पावर मल्टीप्लाई में आई एक्स लिख लिया, पावर निगेटिव है तो माइनस फोर था कितना हो जाएगा माइनस फाइव आ जाएगा। यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई में आई एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस फाइव था यहाँ माइनस सिक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पावर मल्टीप्लाई में आई एक्स टू द पावर माइनस थ्री था कितना हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। आप लोगों को एक ही बार में आंसर लिखना है भाई, शुरुआत में तो मैंने आप लोगों को समझाना था क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा अभी तक, इलेवेंथ ट्वेल्थ में आकर के पढ़ते हो मैथ्स क्लास में। अब मैथ्स में आप क्या पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, यहाँ पर क्या है मैंने उतना बताया है जितना आपको फिजिक्स में ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, एटलीस्ट इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम एलिमेंट्री कंसेप्ट पढ़ेंगे इंटीग्रेशन से रिलेटेड। आज हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमारी ये यहीं पर समाप्त होती है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक टेक केयर।